नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रंजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जाट धर्मशाला में यह आयोजन हुआ। आगामी चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं से ली फीडबैक। कांग्रेस नेता चौधरी रंजीत सिंह का बयान, आगामी चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी आमजन के लिए परेशानी, लोगों में है आक्रोश, बोले रंजीत सिंह। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा के जाट धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष चौधरी रंजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में शिरकत की। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली गई। सम्मेलन में विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रंजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में कांग्रेस को मजबूत करने व आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली गई है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के प्रति देश व प्रदेश में आम जन में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ी है, जिससे आम लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के चुनाव की तैयारी के लिए आह्वान किया। आप देख रहे हैं सिरसा से पल पल की एक खास रिपोर्ट। मैं चुनाव कहीं से लड़ूं, मैं वोटर तो सिरसा सहेली हल्के में हूं। मैं बरनाला रोड पे रहता हूं, मेरा वोट या बाल वोट में कास्ट करता हूं। मेरा असेंबली हल्के में चाह रहा हूं, मेरे साथियों से बरनाला रोड से 31 गाँव लोगों से, शहर के लोगों से मिल रहा हूं। ये एक बहाना है कि हम अपने पार्टी के मंच से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, शहर की लोगों की सलाह ले रहे हैं, राय मशवरा हो रहा है। इनसे कुछ बातें हमें मिलेंगी जो हमारी भी जानकारी में नहीं है, ताकि हम लोगों में पार्टी के लिए प्रचार में हमें फायदा मिले। हमें हाहाकार मचा है जी, मेरे ख्याल में बहुत दुखी है लोग, इससे ज़्यादा कभी तकलीफ में नहीं थे। और खासकर डीजल का जो रेट बढ़ा है, ये कतई जमींदार और सारा जो ट्रांसपोर्टेशन हर जगह मार पे महंगाई हर चीज़ बढ़ती जा रही है। इसका एक तरफा माहौल है जी, चाहे राजस्थान है चाहे हरियाणा है। पहले 16 लोकसभा के बाई इलेक्शन है, सब जगह आप देखो बीजेपी एक जगह भी नहीं जीती, सब जगह कांग्रेस आ रही है।